राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कुवैत के मंगाफ में बुधवार को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट C-130 भारत रवाना हो गया है। यह सुबह 11 बजे के करीब केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली आएगा। जान गंवाने वाले अन्य 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के 3-3 और बिहार ओडिशा कर्नाटक महाराष्ट्र झारखंड हरियाणा पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग हैं। एक मृतक किस राज्य का है ये सामने नहीं आया। हादसे के बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे। वे 5 अस्पतालों में गए जहां घायल भारतीयों का इलाज किया जा रहा है। कीर्तिवर्धन सिंह आज उसी एयरक्राफ्ट से वापस लौट रहे हैं जिनसे शवों को लाया जा रहा है। कुवैत के मंगाफ शहर की एक बिल्डिंग में 12 जून को लगी आग में 49 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 48 शवों की DNA टेस्ट के जरिए पहचान की गई, जिसमें 45 भारतीय निकले जबकि 3 फिलीपींस के हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।